कोलकाता मैन्स यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के तत्वाधान में आज हमारा डीआरएम ऑफिस गेट के ऊपर एक विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, जो भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ है। भारत सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों को मतलब उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। बजट में क्या आपको लगता है? बजट जो है वो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बजट है, एक धोखा है सरकारी कर्मचारियों के साथ में। जो क्या डिमांड है? हमारी मांग है जो हमारे बजट में सरकारी कर्मचारियों की इनकम टैक्स की जो रेंज है उसको बढ़ाना चाहिए था, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत रोष है। और भारत सरकार से हमारी मांग है कि जो एनपीएस का जो मुद्दा है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसको ख़त्म करके और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सातवें पे कमीशन की जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करके और स्टाफ को जो सातवें पे कमीशन का है उसका बेनिफिट पूरा दिया जाए। जो रेलवे के अंदर 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरा जाए, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, जिससे काम का बर्डन जो है जो काम करने वाले साथी हैं उनके ऊपर हो रहा है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना प्रदर्शन आज यहाँ डीआरएम ऑफिस के गेट पर करने जा रही है, जिसमें भारी से भारी संख्या में हमारा रेलवे कर्मचारी प्लेटफॉर्म से उतर के और सड़कों पे आने का काम हो रहा है। अगर जो मांग हमारी पूरी ना हुई तो रेल का चक्का जाम करेंगे। आखिरी विकल्प हमारे पास यही है बस्ता साथियों।